हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एलसीएम फाइंड आउट करना बाय डिवीजन मेथड 175 और 245 का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे 175, ठीक है, कोमा 245, ठीक है। और अब इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स जब भी स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं कि नहीं। तो अगर तो इन दोनों में से एक नंबर भी एटलीस्ट 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो ये तो दोनों नंबर ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। मुझे कैसे पता, क्योंकि ये रूल होता है कोई नंबर चेक करने के लिए, वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो इनमें से होगा ना, इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 175 का लास्ट डिजिट 5 है, इनमें से नहीं है। इसी तरह 245 का भी लास्ट डिजिट जो है 5 है, इनमें से नहीं है। तो ना तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ना तो ये हो रहा है। अगर एक नंबर भी हो रहा होता 2 से डिवाइड, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लेना था। लेकिन अब ये दोनों नंबर ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लूँगी। 3 ले सकती हूँ कि नहीं, तो चेक करना पड़ेगा। अगर तो ये नंबर इन दोनों में से एक नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 ले लूँगी, ठीक है। तो देखते हैं 3 के लिए क्या रूल होता है। 3 के लिए ये रूल होता है, जिस नंबर को आपने चेक करना है उसके डिजिट्स प्लस कर दें। जैसे 175 को पहले चेक करना है, तो उसके डिजिट्स प्लस करें। प्लस करने पे अगर तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आता है, तो उसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके डिजिट्स प्लस करें, 1 में 7 प्लस करें 8, 8 में 5 प्लस करें, हमारे पास क्या आता है 13। तो 3 प्लस किया, डिजिट्स को प्लस करने पे तो 13 आया, 3 के टेबल में 13 नहीं आता। इसका क्या मतलब है, ये नंबर 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। ये ना तो 2 से हो रहा है, ना तो 3 से। अब 245 जो है, इसको चेक करने के लिए इसके भी डिजिट्स प्लस कर दें। प्लस करने पे देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 2 में 4 प्लस करें 6, 6 में 5 प्लस करें 11। तो 3 के टेबल में तो 11 नहीं आता। इसका क्या मतलब है, ना तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ना तो ये हो रहा है। तो हम यहाँ पर 3 नहीं लेंगे। 5 ले सकते हैं, तो 5 के लिए ये क्या रूल होता है, कोई नंबर चेक करना 5 से डिवाइड होता है तो क्या नहीं होता, तो उसके लिए ये रूल होता है किसी उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वह नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों का ही, इन दोनों नंबर्स हैं ना, इनके लास्ट डिजिट जो है 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इनमें से है ना, तो ये नंबर दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं। हम यहाँ पर 5 ले लेंगे, ठीक है। अब देखें 5 के टेबल में अगर आपको डायरेक्टली पता है कि 175 कितने टाइम्स आता है, तो आप यहाँ पे लिख लें। नहीं पता तो इस तरह कर लें कि 5 के टेबल में 17 नहीं आता, 17 से छोटा 15 आता है 5 के टेबल में, तो आप इसे कट करके 15 बना लें, ताकि आप इजी से, ठीक है, सॉल्व कर सकें। 5 के टेबल में 15 आता है 3000, ये 17 था हमारे पास, तो हमने इसे कट करके 15 बनाया, तो इसका 2 यहाँ पे चला गया, ये क्या बन गया 25 बन गया। तो हम यहाँ पे 25 लिख लेंगे, तो 5 के टेबल में 25 आ गया, कितनी हज़ार, 5000, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 के टेबल में 24 नहीं आता, तो 24 से जो है छोटा क्या आता है 20 आता है, आप इसे कट करके 20 बना लें, ठीक है। 5 के टेबल में 20 आ गया 4000, ये 24 था, हमने इसे कट करके 20 बनाया, तो इसका 4 इधर चला गया, ये बन गया 45। 5 के टेबल में 45 आ गया 9000। तो हम अगेन यहाँ पे 5 ले सकते हैं, तो यस ले सकते हैं ना, क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है। ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा था, एक नंबर भी डिवाइड होता है तो हमने ले लेना वो, ठीक है, मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है ना ये, तो हमने फिर भी 5 ले लेना। ये नहीं हो रहा तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, 5 के टेबल में 35 आता है 7000, 5 के टेबल में 49 नहीं आता, इसको वैसे ही लिख लें। अब क्या करेंगे, अगेन 5 ले सकते हैं, तो नहीं, 5 के टेबल में ना तो 7 आता है, ना तो 49 आता है, 5 तो नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 49 भी आता है। 7 के टेबल में 7 आता है 1000, 7 के टेबल में 49 आता है 7000, अगेन 7 ले सकते हैं, यस 7 एक प्राइम नंबर है, अपने टेबल में आता है तो 7 ही लेंगे। 1 का 1 वैसे ही आ गया और 7 आ गया। फिर अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखें एलसीएम ऑफ 175 एंड 245 इज़ इक्वल टू, इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो यहाँ पे लिखें और सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5525 और 25700 कितना होता है, तो हमारे पास आ गया 5525 25700 होता है 175, ठीक है। 175700 क्या आ जाएगा हमारे पास 1225। तो हमने सबको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। हम क्या कहेंगे, एलसीएम क्या आया 175 और 245 का, 1225, ठीक है। तो ये था हमारे पास एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। बात कीजिए एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी करने तो प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट हैं, लेकिन इसमें दोनों नंबर के इकट्ठे फाइंड आउट किए थे प्राइम फैक्टर्स, इसमें अलग अलग करने हैं। जैसे 14 का फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके अलग से प्राइम फैक्टर्स, फिर 42 के, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्टर्स जब आ जाएंगे उसको इस तरह लिख देना है, ठीक है। फिर जो कॉमन आ रहा है
टू कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखें, जो सेवन कॉमन है उसको लिखें, अब जो नॉन कॉमन है वो थ्री है उसको भी लिखना है, और लिख के मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम में हमारे पास क्या होता है कि प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं, लेकिन बाद में जो फैक्टर्स आ जाएंगे कॉमन जो है उनको भी लिखना है, जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखना है, और सबको लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन आंसर वही आता है। अगर मैं 175 और 245 का भी एलसीएम फाइंड आउट करूं बाय डिवीजन मेथड नहीं बल्कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो भी आंसर यही आएगा। आंसर में डिफरेंस नहीं होता, अगर वैल्यू सेम है, क्वेश्चन सेम है, तो बेशक फिर आप एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से करें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें। तो मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, होप्स आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।